आपका ये रिश्ता तो जो बना वाकई उस शो में हम इसीलिए गए थे है ना गुड़िया जब इनको भी हमारे जैसा मिल सकता है संग्राम को पीटा पत्नी पायल ने और नजारा देखती रही चुपचाप खड़ी रतन Happy रक्षाबंधन। मैं अभी बहुत जगह भागम भागी कर रही हूँ जैसे सारी बहनें करती हैं आज के दिन राखी भी कम पड़ गया था तो मैं वो भी लेने गई अभी और पता नहीं होता ना भाई के साथ एक और भाई आ जाते हैं ना खैर घर पे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं दिल्ली से फैमिली आई हुई है तो वो लोग अभी एक तरफ निकले हैं राखी बांधने के लिए मैं जा रही हूँ अब संग्राम भाई को राखी बांधने के लिए कैमरा भी अब शुरू हुआ है क्योंकि बंधु अभी आया है मेरे पास आज टाइम ही नहीं है कि मैं ऐसे लेकर के कुछ भी कर सकूं किसके घर में क्या गिरा आज सबके घर में कुछ ऐसा ही हो रहा होगा जैसे मेरे साथ या उनके साथ हो रहा है चलें अरे आज तो मैं जिसको मैं पायल बोला करती थी आज मुझे लगता है कि मैं लीगली उनको भाभी कहूँगी लेकिन पायल से पहले परमिशन लेना पड़ेगा चलो अब बाहर निकल रही हूँ तो शायद एक दो जगह राखी बांध कर ही घर वापस आऊँगी तो पैकिंग कर लेते हैं और चलते हैं आई एम रनिंग लेट हाँ घर पे बहुत सारे गेस्ट हैं ना देखो सामान कैसे रखा हुआ है अरे यार पहन लो किचन में जाओ तो उतारना पड़ता है फिर पहनना पड़ता है फैशन तो मानना पड़ेगा ना भाइयों से वसूली जो करनी होती है मजाक कर रही हूँ मैं नहीं वसूलती पायल का गिफ्ट किधर है आज हर जगह इतना खूबसूरत लग रहा है ना दिख जा रहा है कि कुछ त्यौहार है सब तैयार व्यार होकर के निकले हुए हैं और मेरी तरह कई लोग भागम भागी में लगे हुए हैं क्योंकि अगर चार पांच भाई हों और मुंबई जैसे शहर में एक कोने से दो कोने से तीन कोने पे हो तो बड़ा मुश्किल होता है अच्छा तो यह है कि बहन के घर पे सारे भाई आ जाएं और एक साथ काम निपट जाए पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि फुल डे छुट्टी नहीं होती ना हॉलीडे नहीं होती भाइयों की तो हमें ही भाई तक पहुँचना पड़ेगा और हमेशा ऐसे ही होता है इसलिए प्रैक्टिस है बस आज के दिन लंच या डिनर कमिट करना किसी को बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि किसके यहाँ कितना टाइम लगेगा पता नहीं तो अभी मैं जा रही हूँ JW मैरियट जो लोग मुंबई से हैं वो जानते हैं कि एक होटल है लेकिन जो लोग यहाँ से नहीं हैं उनको बता दूँ कि इट्स अ होटल वहाँ पर मैं संग्राम भाई और पायल से मिलूँगी इतना ट्रैफिक है कि मैं क्या बताऊँ ऐसे लग रहा है कि पहुँच भी पाऊँगी या नहीं 20 मिनट भी नहीं लगना चाहिए था मुझे पहुंचने में और पिछले पौने घंटे से मैं ट्रैफिक में हूँ और सबसे बुरा लग रहा है कि भाई और भाभी को वेट करवाना लंच पे मिलने वाले थे हम लोग थैंकफुली मैंने लंच के लिए बोला कि नहीं हो पाएगा क्योंकि सबको बांधना है ना तो मैंने सोचा था सबको बांधने के बाद मैं खाऊंगी पर अब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी तो बस प्लीज चलो प्लीज फाइनली आई हैव रीच्ड इतनी बारिश हो रही है बॉम फोड़ दूंगी मैं अगर इतना चेक किया तो पहुंच तो गए हैं लेकिन अब हमको ढूंढना पड़ेगा भाई को और बारिश इतनी तेज़ है कि मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ से वहाँ मतलब फिल्म सिटी कैसे जाएंगे एक जगह पहुँचे नहीं कि दूसरी जगह का टेंशन तो अब मैं ढूंढ रही हूँ BBC कैफे चलो पहले कैफे चलते हैं उसके बाद वेरी पॉपुलर टी इन कश्मीर इज कॉल्ड कावा इज मेड विद द ड्राईफ्रूट एंड सैफ्रन प्लीज टेस्ट इट हाउ इज इट वाओ थैंक यू जी भी शूट कर रही है पायल जी भी शूट कर रही है यस दोनों की फुटेज में हम भाभी और ननद हुए हैं ना यस हां थैंक यू सो मच सो अभी हम लोग राखी का कारोबार शुरू करेंगे क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा है मैंने मिठाई का डब्बा छोड़ दिया है तब तक हम ये टी पीते हैं यस व्हेन यू गॉट मैरिड 2 डेज बिफोर जस्ट 1 मंथ बैक ओह 1 मंथ 9th जुलाई कांग्रेचुलेशंस यू हैव बीन हैप्पी लाइफ थैंक यू यू बीन विद ईच अदर फॉर 12 इयर्स बोलिए बैठूं हां अब आप बैठ जाइए भाई थैंक यू सो मच सो द सेम प्लेस सेम प्लेस जी भाभी आपको भी बैठना पड़ेगा हां तो अभी है ना हम ये इनको देते हैं आज से ऑफिशियली मैं पायल को पायल भाभी बोलने जा रही हूँ हम पहले मिलते हैं थैंक यू गुड़िया ये हरियाणा और बिहार का जो भाई बहन संगम आप देख रहे हो
ये बिग बॉस का देन है एंड एक्चुअली एक असली वाला देन है एक्चुअली. बिग बॉस के मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस नहीं है सिवाय कुछ गिने चुने और टॉप में ये है. तो अच्छा है आपका ये रिश्ता तो जो बना वाकई उस शो में हम इसीलिए गए थे है ना. वाह. सो शादी के बाद ये पहला राखी है ननद की तरफ से. यस मुझे पता नहीं था बट दिस इज ब्यूटीफुल. थैंक यू. अब बताओ भाई किसको क्या खिलाऊं. गुलाब जामुन और रसगुल्ले किसको क्या खिलाना है. अभी वो बाद में खिलाएंगे पहले गुड़िया. ये आप खाली अपने पास ही. इट्स जस्ट लाइक अ शगुन. ऐसे मत करो भाई. शगुन के नाम पे 101 नहीं, नहीं, वो आपकी बार वो जोन चला गया. मेरी तरफ से गुड़िया को सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए. यार ऐसे मत करो ना भाई. नहीं नहीं इट्स टू मच. सुनो देखो हरियाणा में डाल देने. नहीं का कुछ नहीं. मैं तुम्हारे लिए मैं इसमें से सुनो सिर्फ मेरे लिए. अभी ये सब लड़ाई नहीं चलेगी. ये क्या भी नहीं चलेगी. बंदूरों का गुलाब जामुन खिलाओ. गुलाब जामुन कितने खिलाओ. अच्छा सुनो ये मैं अपनी मर्जी से निकालूंगी. मुझे क्या लेना चाहिए मेरा अधिकार है. ऐसे नहीं होता. आपको हमारी इज्जत भी रखनी पड़ेगी. रतन को पायल नहीं मान रहे हो ना. चलो पहले फिर आपको भी खिलाएंगे. बोलो क्या खिलाऊं. हां हां सब सब खाएंगे. ओके थैंक यू. और रतन जी खाती है. ऐसे सब कुछ खाती है. ये मुझसे भी बदल लिया. अरे गुड़े चम्मच क्या हो रखा है. प्लान आधा खिला दो. चलो एक आधा खिला दो भाई. सब मुझे खिला. नहीं मैं नहीं मैं उनको खिलाऊंगी. हैव अ गुड लाइफ. तो देखो ये मंगल है जी रक्षाबंधन मैरियट में. और थैंकफुली हमें प्रिविसी भी मिल गई है यहाँ पे. थैंक्स टू खाजिर सन्स. बड़े अच्छे स्टॉक्स हैं. कश्मीरी स्टॉक्स हैं यहाँ पे. बट हमें तो नाइस घी के दिए नहीं तो कैंडल है सही. फाइव नो आई डोंट नो. फोर आई डोंट नो. सेवन फाइव सेवन ना. सेवन फाइव सिक्स सेवन. शादी के साथ खुश रहो. खुश रहो. अभी तो आपकी भी शादी होगी ना जल्दी. नहीं आपको नहीं ऐसे मुझे झेलना पड़ेगा. ऐसे कैसे. जीवन भर भाई और भाभी के साथ रहूंगी. नो शादी प्लान. नो शादी प्लान. नो शादी प्लान. ओके वो हम बाद में पूछते हैं. ऑफ कैमरा. ऑफ कैमरा. मैंने तो ऑन कैमरा बता रखा है कि मैं शादी नहीं कर रही. नहीं कर रही. भाई जैसा कोई मिला ही नहीं. मिल जाए. इतना समझदार वो लिख के आता है ना. देखो भाई भाई जैसा मिला. भाई जैसा मिला तो हम शादी करें. और देखो ना गुड़िया. नहीं मिला तो नहीं करें. गुड़िया जब जब इनको भी हमारे जैसा मिल सकता है. ये कंटेंट अभी एक का वायरल ऐसे जाने वाला है. फिर बोलेंगे मतलब क्या कंटेंट है का. संग्राम को पीटा पत्नी पायल ने. और नजारा देखती रही चुपचाप खड़ी रतन. आप भी घर आओ. पहले खाना ना खाओ आराम से. मैं तो आया हमारा थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे घर. फिर आप आइए घर जब जब. बिकॉज अभी आजकल इनविटेशंस का सब बॉक्सेस और उनके. हाँ ऑफ कोर्स. शादी के बाद. अरे मुझे तो है. आई खत्म बी. थैंक यू. आप लोग प्लीज आप भी खा लीजिए. हम खा लेंगे कोई बात. ट्रैफिक के इतने देर होने के बावजूद हम लोग मिल पाए टाइम पे. हम थैंक यू रतन. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच फॉर आवर पोस्ट इन सेलिब्रेटिंग रक्षाबंधन. नहीं नहीं कोई 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 मैरियट. मैं था. थैंक यू. Thank you.
कुछ यहाँ पे बैठना तो यहाँ सकते हो ये उधर सही है मेरे उधर सही है सवाल होगा पहले उसका जवाब दे देती हूँ मुझे पता है कई बार ऐसा होता है कि मन में सवाल उठ रहा होता है और उसका जवाब ही नहीं मिल रहा होता है कि अरे ये भाई बहन कैसा रिश्ता है कहाँ मिले संग्राम भाई से आप लोग एक दूसरे को कब से जानते हो तो मैंने सोचा पहले वो जवाब दे दूँ ऐसा है कि जो हरियाणा और बिहार के भाई बहन का आप संगम देख रहे हो ना ये संगम बिग बॉस सीजन 7 के संग्राम में पैदा हुआ था और संग्राम भाई और रतन राजपूत भाई बहन बन गए थे जी हाँ बिग बॉस सीज़न सेवन की बोल रही हूँ बिग बॉस कितना भी आप लोग को लगता हो कि ये फेक होता है स्क्रिप्टेड होता है पर कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बड़ा ही रियल और ओरिजिनल होता है तो वो है हमारा रिश्ता भाई बहन का काफ़ी कनेक्टेड थे हम वहाँ पर भी क्या होता है ना आप एक जैसे लोग वहाँ पर या कहीं भी आप कनेक्ट कर जाते हो तो बिग बॉस में मैंने पाया कि संग्राम भाई हेज़ल और मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे इवन एली भी बट जब बाहर हम निकले तो मैं हेज़ल कुछ दिन कनेक्टेड थे पर संग्राम भाई और मैं आज तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं पूरे साल कुछ नहीं हमारा कनेक्शन रहता है लेकिन रक्षाबंधन के दिन या उसके एक दिन पहले ज़रूर भाई के या तो फ़ोन आ जाएगा या मैं फ़ोन कर लूँगी कहाँ हो भाई क्या प्लान है अभी या कहाँ है गुड़िया ही कॉल्स मी गुड़िया वही एक है जो मुझे गुड़िया कहते हैं बड़ा प्यारा लगता है भाई के मुँह से बहुत जेन्युइन मुझे लगता है कि हम दोनों ही बहुत ग्राउंडेड ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं शायद वो है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है और क्या बताओ आपको कभी कुछ पूछना होगा तो पूछना भाई ऐसा बंदा है जो अगर कॉल करो तो कहता है हाँ गुड़िया कुछ ज़रूरत हो तो कह देना कुछ सबसे पहले उनका यही होता है कि बता कुछ काम था कहते नहीं भाई ऐसे ही फ़ोन किया था हाल चाल लेने को कहते ना संग्राम भाई जैसा भाई हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है एनीवेज बड़ा मज़ा आया पायल इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी और शादी के बाद एकदम निखार आया हुआ है पायल पे सच्ची में ए नो पायल भाभी क्या ना आज से मैंने पायल को बोला कि अब ऑफिशियली मैं अब आपको भाभी बोलूँगी क्योंकि भाई के रिश्ते से वो मेरी भाभी हो जाती है ना तो पहले मैं उनको पायल बोलती थी पर अब मैं उनको भाभी बोलने वाली हूँ पर अभी प्रैक्टिस नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा पायल भाभी पायल के बाद एक पॉज आता है फिर मैं भाभी बोलती हूँ बट इट्स ब्यूटीफुल बहुत अच्छी जोड़ी है और भी कुछ बताना है लेकिन अब मैं कल बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है कभी कभी टेंशन हो जाता है कि यार क्या दिखाएं और क्या छोड़ें क्योंकि इतना कुछ घट रहा होता है एक दिन में ही और सबका मूड एकदम अलग अलग होता है तो लगता है कि मिक्स भी नहीं कर सकते दिखा भी कितना दें कितना लंबा हो जाएगा इसलिए कुछ बातें कल करते हैं ठीक है आज के लिए इतना ही आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारा वीडियो प्लीज़ लाइक करें प्लीज़ क्यों बोल रही हूँ हक से बोलूँगी किसी ने कहा है कि प्लीज़ क्यों बोलते हो हक से बोलो कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं कि पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो उनको तो समझ में नहीं आएगा तो बता देती हूँ हमारा वीडियो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसे करके सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच लव यू गाइस आई डोंट नो व्हाई मैं त्यौहार में इतनी खुश क्यों होती हूँ बताओ आप लोग भी इतने खुश होते हो क्या होते होंगे कारण बताना मुझे मेरा कारण तैयार होते हैं हाँ शायद तैयार होते हैं कारण होता है तैयार होने का ऐसे तो तैयार रोज़ हो सकते हैं पर त्यौहार के दिन कारण होता है और बहुत लोगों से मिलना जुलना होता है मे बी या फिर आप लोग बताओ गुड नाइट अरे एक मिनट मैं चेंज करने जा रही थी तो मैंने सोचा पूछ तो लो मैं कैसी लग रही हूँ
जब थके हारे ऐसे लौट कर आई हूँ तब पूछ रही हूँ। सुबह भी फ्रेश होकर के एकदम तैयार होकर वीडियो नहीं बनाया था, एकदम बासी होने के बाद, और अभी भी बासी होने के बाद पूछ रही हूँ। बुरी तो नहीं लग रही, आई थिंक। लव यू।